गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ अंकित अग्रवाल, टीचर ऑफ श्री राम अकेडमी हाई स्कूल सतना। दिस इज़ योर रिवियस क्लास फॉर क्लास फर्स्ट। इन दिस क्लास वी कंटिन्यू अवर लेसन थ्री में जो हमने अवर हाउस पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर थे, ट्रू फॉल्स थे, आज हम टिक द करेक्ट पढ़ रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे वी एंटर द हाउस थ्रू, अपन किसके द्वारा घर के अंदर जाते हैं, विंडो से कि डोर से? हम तो डोर से जाते हैं, तो हमने डोर की स्पेलिंग पे क्या किया, राइट क्लिक किया। नेक्स्ट है विंडो अलाउ टू कम इन, विंडो से क्या आता है आपको, सनलाइट आती है या रेन? सनलाइट आती है, रेन तो बाहर होती है, तो क्या आएगा ऑप्शन, सनलाइट। वी शुड कीप अवर हाउस, हमें अपने घर को क्या करना चाहिए, डर्टी या क्लीन? डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ, तो हमें अपने घर को क्या रखना चाहिए, साफ, इट मीन्स क्लीन, तो क्लीन पे राइट किया। अब अपन को इनमें लेटर्स स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, एक ऐसा घर जो पानी पे तैरता है उसको हमने क्या बोला था, हाउस को क्या बोलते हैं, घर को क्या बोलते हैं, हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस। और पानी में क्या चलती है, नाव, इट मीन्स बोट, तो हाउस बोट, बी ओ ए टी। अ व्हील दैट मूव्स ऑन व्हील्स, एक ऐसा घर जो कार, जो गाड़ी, जो पहिए पे चलता है, मैंने बताया था पहिए पे क्या चलती है, कार, तो सी ए आर कार, और वैन, वैन तो वी ए एन, तो सी ए आर ए वी ए एन, कार वैन। अ हाउस मेड अप क्लॉथ, एक घर जो क्लॉथ से बनता है, अपन जाते हैं ना टेंट, टेंट लगता है अपने यहाँ शादियों में लगता है, तो टी ई एन टी, टेंट। नेक्स्ट आपको टिक द करेक्ट, अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा घर जो पानी पे चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाउस बोट, तो हाउस बोट पे अपन ने क्लिक किया, राइट टिक किया। अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील इज कॉल्ड, ऐसा घर जो पहियों पे चलता है, अभी हमने पढ़ा था कार्बन, तो कार्बन पे अपन ने टिक कर दिया। नेक्स्ट है अ प्लेस इन अ हाउस वेयर वी स्लीप इज कॉल्ड, अपन कहाँ सोते हैं, डाइनिंग रूम में, बाथरूम में या बेडरूम में, जहाँ बेड होगा वहीं सोएंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बेडरूम, तो बेडरूम पे मैंने टिक कर दिया है। ये आपके पिक्चर में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। अब आपके पास बच्चों लास्ट एक फन एक्टिविटी है, यहाँ पे एक अमन नाम का लड़का, उसको अपने घर जाना है, लेकिन इतने सारे रास्ते कि वो कंफ्यूज हो गया, तो आपको सही रास्ता चुनना है और उसको घर पहुँचाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, कंप्लीट योर नोटबुक।